बुद्धिरेखा, भाई बुद्धिरेखा के चलन के विधि विधान, स्थिति गतियाँ, चालो चलन, गतिविधियों के बारे में बता ही रहा हूँ। देखिए, और एक गति, सद्गति, ये बुद्धि रेखा, ठीक। कुछ महर्जातक होते हैं, एक रेखा यूं आ जाती है, अरे ये कौन सी रेखा है? हाँ, विचित्र रेखा है, दो दो बुद्धि रेखाएं। व्यक्ति के जीवन को सुखांत करने के लिए जीवन को एक बुद्धि रेखा, सुंदर, सजीव, स्वस्थानित, अर्धवर्तुल हो तो बहुत 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 पसंद है। अरे एक बुद्धि क्या, दो दो बुद्धियां होती हैं, इनकी कीर्ति अंतर्राष्ट्रीय तक चल जाती है। इस प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, इस प्रकार की योजनाएं होते हैं, इस प्रकार के संदेहों के निवारण करते हैं। वाक् चतुरता इतने सुंदर होती है कि हर एक व्यक्ति को इनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। उतना ही नहीं, अंग्रेजी में लेटर लिखते रहते हैं, दूसरों से हिंदी में बातचीत करते हैं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी शुद्ध भाषा, वो भी शुद्ध भाषा, उन विचारों के समाधान देंगे, अपने विचारों को उनको वहां पहुंचाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। दो दो बुद्धियों का काम है। ऐसे लोग बड़े बड़े अष्टावधानी होते हैं, शतावधानी होते हैं, ग्रहण शक्ति बहुत होती है, अवधानी होते हैं, बहुत सारे विषयों को अपने दिमाग में रखते हैं, काफी चतुरता, ऊंचे चमकते हैं, भाग्यशाली होते हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए या स्थानीय दृष्टि से हो, राज्य की दृष्टि से हो, राष्ट्र की दृष्टि से हो, ऊंची ऊंची बहुमतियां, दूर दूर तक इनका नाम चल जाता है। इनका नाम का विस्तार करना पवन का काम है। ये बुद्धिमान है, ये योग्य है, कुशल है, इसके साक्षी कौन होते? प्रवाहमान पवन, शालीनता से ऊंचे उठे पर्वत, जन्मभूमि, लोग, भाई, बंधु, सर्वजन, सभी लोगों की इनका पता चल जाता है। फलाना व्यक्ति व्यक्ति रूप से नहीं देख सकते हैं, करणानंद होता है, भाग्यवश अगर उसको देखेंगे, उस व्यक्ति को नयनानंद, जहां कहीं चले करणानंद भी, नयनानंद भी, कर्ण पर्व भी, नयन पर्व भी, सम्मान सम्मान सम्मान, उतनी सुंदर रेखा है। और एक रेखा देखेंगे, ये रेखा अर्धवर्तुल में हो, जन्म स्थान का की पहचान बराबर हो, कुछ स्थान में समाप्त हो, ठीक है। ये तीनों गुण है, स्वस्थान, जन्मस्थान, पहचान, प्रारंभ से, जन्म से, उत्पत्ति से, ठीक यही स्थान पर। धनुषाकार में, हाँ ठीक, धनुषाकार, बहुत धनुषाकार, कुछ स्थान में समाप्त, कुछ स्थान में समाप्त, तीनों लक्षण है ना, हाँ है। अरे धनुषाकार है भाई, कित, अरे रे 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 रे, इतना उभरना, वो भी अच्छा नहीं है। नाक देखिए, नाक की एक सीमा होती है, बस इतना हो तो सुंदर। अगर इस नाक को ऐसा बना देंगे तो कह सकते हैं कि सहज है क्या, वो असहज है, क्या हो गया? अब बोलिए, देखिए उसे देखते ही पता चलता है, गरुड़ मनुष्य के रूप में रहता है, गरुड़ वाहन, मगर उनके नाक को देखिए, गरुड़ जैसी चोंच, यूं,
मनुष्य का ही खैर पर अलग है चीज सब ये आकार मनुष्य का ही भगवान का ही देवता का रूप ही साक्षात श्री विष्णु के वाहन है ना क्यों नहीं होता वैसे ही अरे भगवान हनुमान नाग नाग जैसे है ऐसे एक होना चाहिए एक आकार होना चाहिए इसका आकार सुंदर है वो और चीज है धनुषाकार में आना हाँ धनुषाकार में है ना सुंदर होना हाँ ये भी सुंदर है ना अरे उतना ऊंचा हाँ उतना ऊंचा होने से क्या हानि हुई हानि तो कुछ नहीं हुई कि हृदय रेखा के पास गई है ना ये रेखा हाँ हाँ हृदय जैसा कहता है वैसी करती है ये रेखा हृदयाश्रित रेखा है ये यानी उभयात्मक रेखा नहीं बुद्धि रेखा है हृदय रेखा है एक रेखा न हो तो उभयात्मक रेखा बोलते यानी हृदय किसके कारक होते हैं पत्नी माता बंधु सगे साथी रक्त संबंधी बंधु मित्र शुक्र भी है ना हाँ शुक्र भी है उसके लिए इसके लिए भी यही बंधु होते हैं पवित्र दिल होता है जो भी विचार होते हैं पवित्र होते हैं बुद्धि इनके ख्वाब में चली जाती है बंधु जिस प्रकार बताएंगे पत्नी जो बताएगी सो सुनेंगे एक लकीर खींची गई पत्नी द्वारा पत्नी लोलुप पत्नी आश्रित पत्नी की बात राजाज्ञा शिला शासन लक्ष्मण रेखा सिंपली फॉलोइंग ऐसे रहते अरे भाई माता बीमार है पिता बीमार है मृत्युशैया पर पड़े हैं क्या जाते हैं जाना बंद कर दो हर एक तो मृत्यु तो होती है मर गए करके उसके नाम पर बस लाखों लाखों बहा देंगे जी हाँ बस जी हाँ कहने के सिवा मेरे कुछ नहीं जानते ये भी अच्छा नहीं है ना खैर बुरे दिल वाले नहीं हैं सज्जन हैं अच्छी बुद्धि वाले हैं मगर बंधु लोग जिस प्रकार बोलेंगे पत्नी जिस प्रकार बोलेगी स्त्रियाँ जिस प्रकार बोलेंगी वो बातें सुनते हैं रक्त संबंधी भाई माता का तो पेट नहीं भरता उसकी भूख को देख नहीं सकता और कहता है कि मेरी चाची के लिए चिनाम्बर दूंगा माता को खाना नहीं खिलाता है कहता है कि चाची के लिए चिनाम्बर क्या बातें हैं बतंकड़ के दकई का ऐसे होते हैं बातों के बहुत बड़े होते हैं करता काम करना करनी जैसी पत्नी की कथनी पत्नी की कथनी ही इनकी करनी है ऐसी चेष्टाएं होती हैं बंधु का कहना ही इनका करना होता है खैर अपने भी विचार मिला दो उसमें क्या ये न्याय है ये नीति है ये पद्धति है माता पिता के प्रति अनुराग नहीं है जिन लोगों ने जन्म दिया अरे उस माता के लिए चर्म को काट कर चप्पल भी सी कर उनको पहना देंगे उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते वैसे माता के प्रति अश्रद्धा किसी के लोलुप होना किसी की लालची में जाना किसी के प्रति आकृष्ट होना स्वजनों को भूल जाना नहीं ये पद्धति नहीं है ऐसे दुष्ट लक्षण इक्के दुख के विषयों में होती है